अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम एक नया गाना गाने जा रहे हैं जिसका नाम है चिड़ियों की गिनती। इस गाने का नाम क्या है? चिड़ियों की गिनती। आपने अक्सर देखी होंगे बहुत सारी चिड़ियाँ आसमान पे, फ़ज़ा पे अच्छे से उड़ती हैं। उन चिड़ियों को देखा होगा आपके घरों में, आपके घड़ियों के पास आती होगी और आपके बालकनी में आती होगी, आपके घर के आसपास उड़ती हुई आपको दिखाई होगी। आपको पता है चिड़िया कितनी खूबसूरत होती है। चलो हम इसे दोहराते हैं, सुनो और दोहराओ, आपको सुनना है और दोहराना है। चलो हम शुरुआत करते हैं। चिड़ियों की गिनती, सुनो और दोहराओ, नौ चिड़ियों को देखो, चिड़ियों के देखो टाट, एक तो उड़ी तो वो रह गई आठ। यहाँ मतलब यहाँ पे नौ चिड़ियों के टाट है, अगर उसमें से एक उड़ती है तो कितनी चिड़ियाँ होती है, बचती है हमारे पास आठ। आठों जब करती थी बात, एक उड़ी तो रह गई साथ। आठों जब बात करती थी, एक उड़ती थी तो कितनी रह जाती थी बच्चों? सात। सातों के पढ़ते अच्छे, एक उड़ी तो रह गई छे। अभी सातों चिड़िया थी, उनके अच्छे खासे पढ़ते, वो अच्छे खासा हवा में उड़ते थे, उसमें से एक चिड़िया जो होती है उड़ जाती है सातों में से, तो फिर कितनी बचती है हमारे पास चिड़िया? छे बचती है। धूप से जब लिखती थी आज, एक उड़ी तो रह गई पांच। मतलब धूप से जब बहुत कड़ी धूप होती थी तो छह चिड़ियों में से एक चिड़िया उड़ जाती थी, फिर कितनी बचती चिड़िया? बचती थी हमारे पास पांच। पांचों जब हो गई बेजार, एक उड़ी तो रह गई चार। मतलब पांचों में से जब हो गई बेजार, एक उड़ी तो रह गई चार। मतलब पांचों में से एक चिड़िया, उसे उड़ने का मन करा तो वो उड़ गई, तो इसमें से कितनी चिड़िया हमारे पास बची बच्चों? चार। चारों ने फिर बजाई बीन, एक उड़ी तो रह गई तीन। फिर चारों चिड़िया में से बच्चों एक ने बजाई बीन, तो हमारे पास कितनी चिड़िया बची बच्चों? तीन। तीनों बोले कुछ सोचो, एक उड़ी तो रह गई दो। तीनों में से एक सोचने लगी कुछ सोचो, तीनों में से तो एक उड़ी, तीनों चिड़िया में से एक उड़ गई, तो हमारे पास कितनी चिड़िया बची बच्चों? दो। दोनों ही थे अच्छी नेक। दोनों ही थे अच्छे नेक, एक उड़ी तो रह गई एक। दोनों में से कितनी अच्छी नेक थी, उसमें से एक उड़ गई तो कितनी बची? एक थी जो, एक जो थी उड़ गई कहीं, देखो अब कोई भी नहीं। दोनों अच्छे नेक थे लेकिन उसमें से एक उड़ गई तो कितनी बची? एक। फिर एक चिड़िया जो बची थी वो भी उड़ गई, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, एक भी चिड़िया नहीं बची। इस गाने को किसने लिखा है? बशीर अहमद अंसारी ने। इस गाने को किसने लिखा है? ये हमारे मुसन्निफ है। इस गाने को किसने लिखा है? बशीर अहमद अंसारी ने। बच्चों इसे हम एक बार वापस से दोहराएंगे। चिड़ियों की गिनती, सुनो और दोहराओ, नौ चिड़ियों के देखो टाट, एक उड़ी तो रह गई आठ। आठों जब करती थी बात, एक उड़ी तो रह गई सात। सातों के पढ़ते अच्छे, एक उड़ी तो रह गई छे। धूप से जब लगती थी आँच, एक उड़ी तो रह गई पांच। पांचों जब हो गई बेजार, एक उड़ी तो रह गई चार। चारों ने फिर बजाई बीन, एक उड़ी तो रह गई तीन। तीनों बोले कुछ सोचो, एक उड़ी तो रह गई दो। दोनों ही थे अच्छी नेक, एक उड़ी तो रह गई एक। एक जो थी उड़ गई कहीं, देखो अब कोई भी नहीं।